हमारे देश में अगर कोई बाहर से आता है तो वो यही कहता है कि साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह पे हम लोग खुद अपनी अगर गाड़ी में हैं, बस में हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ खाया उसका रैपर कागज जो कुछ है उसको बाहर ही फेंक देते हैं, सड़क पे ही फेंक देते हैं, जिसके कारण आज हमारे देश को बाहर के लोग इस तरीके से देखते हैं कि शायद ये कंट्री जो है वो क्लीनलीनेस के मामले में एक डर्टी कंट्री कही जा रही है। लेकिन हमारे ही देश में अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है नाना बाल्टा, जहाँ पे एक अलग ही तरीके से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट की मैनेजमेंट करी जा रही है। इस सॉलिड और लिक्विड मैनेजमेंट में इस तरीके के कुछ काम करे जा रहे हैं कि ये जगह एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ जगह दिखाई देती है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब उस जगह को देखिए और जानिए कि ऐसी जगह हमारे देश में भी है। जो हम क्या करते हैं कि बड़ू साहब के आसपास के जो गांव हैं और हमारा जो हॉस्टल्स, एकेडमी, मेस, वहाँ के सारे कचरे को हम एक ट्राली के माध्यम से इकट्ठा करते हैं और ट्राली में डालने के बाद हम यहाँ लेके आते हैं। फिर इसको हम डिसइनफेक्ट करते हैं उस कचरे को डाइक्लोरवास के साथ, सेप्रेमिथीन के साथ, जिससे कि हमारे पास जो आदमी यहाँ पर काम कर रहे हैं वो किसी तरह से इसमें इन्फेक्टेड ना हों। अब हम आते हैं हमारे जो कूड़ा, जो हमारे पास कूड़ा इकट्ठा होता है, और हमारे पास पेपर आते हैं, जूट आता है, फूड वेस्ट आता है, पत्ते आते हैं, लोहा, लकड़ी, इनको हमने क्या किया है कि एक तरह से मैनेजमेंट बनाया हुआ है कि इनको हम सेल करते हैं। कागज़ को हम अलग सेल कर देते हैं, लोहा अलग सेल कर देते हैं, मतलब पूरे 1000 किलो एक दिन का हमारा कूड़ा होता है, उस कूड़े को क्या करते हैं कि रोज का रोज अलग अलग हम उनको छाँट लेते हैं। 1000 किलो कूड़े में से हमारा एक तो हमारे बिकने के लिए चला गया, एक हमारा चला गया जो इसके लिए हम बर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं। हमारे पास एक मशीन है रोटी ड्रम कंपोस्टर, उसको बना लेते हैं, उसमें हम खाद बना लेते हैं। आप प्लास्टिक के बारे में सुना ही होगा आपने, ये प्लास्टिक हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि जिसके बिना हम रह नहीं सकते। हमारे पैंट की जिप से लेके हमारे सर की टोपी तक, और हमारे घर में हमारे लिए किसी भी तरह का कोई काम हो, प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा हमारी ज़रूरत बन गया है। लेकिन वो ज़रूरत के साथ हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत खतरा भी बन गया है। हमारी पंचायत के अंदर जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य हो रहा है, इसमें हमारा क्लब भी और हमारी संस्था पूर्णतः सहयोग दे रहे हैं। जो हम पॉलीथीन मुक्त करने के लिए, उसमें हम बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं, अपने गांव के बच्चे भी और जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं। बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए हम उनसे जो इकट्ठा किए गए टॉफ़ी के रैपर और चिंगम के रैपर, उनके हम 15 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे जो बड़ा पॉलीथीन बच्चा ला के देता है, तो उससे भी एक अच्छा मैसेज बच्चों में जा रहा है। बच्चे उसको अपने आप जो टॉफ़ी खाते हैं उसके रेपर भी इकट्ठा करके हमें यहाँ पंचायत में देते हैं, और हमारी संस्था के यहाँ हम होते हैं, उनके द्वारा हम बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी देते हैं। इसके अलावा गांव में महिला मंडल द्वारा, स्वयं सहायता समूह द्वारा और हमारे जो आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार से इस चीज़ को जारी रखा हुआ है। इससे हमारा पॉलीथीन जो है वो सारा इकट्ठा हो जाता है और हम उसको सॉलिड जहाँ पर वेस्ट है वहाँ भेज देते हैं। उसको क्या करते हैं, जैसे कई जगह पे आपने देखा होगा, कई जगह आपने सुना होगा कि प्लास्टिक के रोड बन रहे हैं, प्लास्टिक की टाइल्स बन रही हैं, उस तरह ये बड़ू साहब अकाल वेस्ट मैनेजमेंट ने उसकी हम एक ब्रिक बना रहे हैं, एक ईंट बना रहे हैं। ना उसमें किसी तरह का सीमेंट लग रहा है, ना उसमें किसी तरह का कोई भी, और हम उसके अंदर किसी तरह का कोई केमिकल डाल रहे हैं, प्लास्टिक और रेत मिलाकर ईंट बना रहे हैं जो एक आम ईंट से बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो यह छोटी सी एक टीम अगर इस तरह से प्लास्टिक का हल निकाल सकती है तो आप भी निकाल सकते हैं। और पेपर हमारा आसानी से बिक जाता है, जो हमारे रिसाइकलर हैं कबाड़ी, वो बहुत आसानी से खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेपर होते हैं कि जो बहुत छोटे होते हैं और नॉन सेग्रीगेबल पेपर हैं, उन पेपर को क्या करते हैं हम, उनके लिए यहीं पे बड़ू साहब में हम उनकी एक फाइल कवर बना लेते हैं, जिसको आप गत्ता कह सकते हैं, जो हमारे कैंपस में फाइल की ज़रूरत को पूरा करता है। टूथपेस्ट,
टूथपेस्ट के जो पाउच होते हैं उसमें अल्मोनियम लगे होते हैं, और अल्मोनियम काफ़ी महंगे महंगे दामों में बिक जाता है, जो हमारे आदमी यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाती है हमें उनको उनकी सैलरी उनकी तनख्वाह देने के लिए। तो इस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सी सारी चीज़ें हैं, जैसे रबड़ हुआ और ई वेस्ट हुआ। ई वेस्ट के लिए हमने एक अलग से एक सेक्शन बना रखा है, जो हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स और मोबाइल्स के पार्ट्स आते हैं, टेलीफोन के पार्ट्स आते हैं, सीडी वगैरह आते हैं, सब उनको इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद हम डिसमेंटलर, जो शिवालिक वेस्ट मैनेजमेंट है हिमाचल का ऑथराइज रिसाइकलर है, उसके पास भेज देते हैं। सैनिटरी पैड्स, जो हमारे भारतीय संस्कृति में इसको बड़ी इसको छुपाया जाता है, इसको अजीब निगाहों से देखा जाता है, लेकिन इसको हम छुपा नहीं सकते, प्राकृतिक सिस्टम है, उसको हम इंसिनेटर हमारे पास जो लगा उसके अंदर जला देते हैं, एक तरह से भस्म कर देते हैं। बस कोई उसकी जो राख बचती है उसके लिए हमने एक पिट बना रखा है जो 8 फीट गहरी, उस पिट में हम उसको डाल देते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट में जो कचरे निकलते हैं हॉस्पिटल से, उनके लिए हॉस्पिटल में हमने डस्टबिन प्रोवाइड करवा रखे हैं, लाल, पीला और नीला। जो पीला है वह इस तरह का कचरा होता है जिसको हम इंसिनेटर में जला सकें, जैसे ह्यूमन ऑर्गन्स हुए, ड्रेसिंग मटेरियल्स हुआ, ब्लड इंक्लूडेड कॉटन्स हुए। जो रेड है उस पर इन्फेक्टेड प्लास्टिक है, और जो ब्लू है उसमें नॉन इन्फेक्टेड प्लास्टिक है। जो हमारे पास इन्फेक्टेड प्लास्टिक है उसको हम हाइपोक्लोराइड के साथ केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, और जो इन्फेक्टेड प्लास्टिक नॉन इन्फेक्टेड प्लास्टिक है जो ब्लू है उसके लिए हमने यहाँ पे अलग अलग तरह से सिरिंज म्यूटिलेटर बना रखा है, जो एक श्रेडर की तुलना में बहुत ज़्यादा अत्युत्तम है, जिसमें किसी तरह का ना कोई फ्यूल लगता है ना कोई बिजली लगती है, बस थोड़ा सा मैन पावर लगती है, और हमारा सिरिंज का जो पिस्टन है वो किसी तरह से रीयूज ना हो सके। इस तरह का हमारा बायोमेडिकल वेस्ट सिस्टम ख़त्म हो जाता है। हमारा एक बहुत प्रसिद्ध जो हिमाचल के कई गांव में लग गया है हमारा स्लोगन, कचरे से कमाई और पर्यावरण की भलाई। अगर आप किसी गांव शहर में जा रहे हैं आप, तो आप देखेंगे आपका स्वागत, आप चाहे ट्रेन से जा रहे हो चाहे बस से जा रहे हो, आपका कचरे के पहाड़ के साथ ही स्वागत होगा। लेकिन अब हिमाचल के इस छोटे से गाँव में बड़ू साहब में जब आप आएंगे तो आपको कचरे के साथ स्वागत नहीं होगा, साफ शुद्ध और अच्छी साफ सुथरी सड़क के साथ स्वागत होगा। ये बड़ू साहब का एसटीबी प्लांट है। बड़ू साहब में हमारी कॉम्प्लेक्स आश्रम टोटल जितना पानी सारे यहाँ पर आता, सीवरेज का पानी, चाहे आप किचन का पानी ले लो, बाथरूम का ले लो, कहीं से पानी ले लो, सारे पानी यहाँ पर ट्रीटमेंट होने के लिए आता। ये जो एसटीबी प्लांट, इसका कैपेसिटी है 10 लाख लीटर। ये जो पानी ट्रीटमेंट हो जाता है, ये पानी ट्रीटमेंट होने के बाद इस कुछ ले जाता हमें एग्रीकल्चर में, कुछ ले जाते कंस्ट्रक्शन का काम पे, और पानी हमारे पास जो बचता है यहाँ पे नज़दीक का गांव मछेर है उनको खेत के लिए पानी का लोड पड़ता, वो लोग आके बोलते उनको पानी हम दे देते उनका खेत में लगने के लिए। इसी का जो प्रोसेस है, पहले हमारी बना हुआ स्क्रीन चैम्बर, सारे पानी स्क्रीन चैम्बर को अंदर आएगा, स्क्रीन चैम्बर अंदर आके जो कबाड़ा है स्क्रीन चैम्बर में वो रुक जाएगा और पानी अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारी मोटर लगा हुआ लिफ्ट करने के लिए, यहाँ से लिफ्ट करके इरिगेशन टैंक आपके सामने बना हुआ, ये पानी लिफ्ट करके हम इरिगेशन टैंक को दे देते हैं। इरिगेशन टैंक के अंदर दो ब्लोअर लगा हुआ, वो जो ब्लोअर लगा हुआ हमेशा बैक्टीरिया को ऑक्सीजन देने के लिए, वो बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए। उसके बाद चला जाता ट्यूब सेटलर को, ट्यूब सेटलर का जो साफ पानी होता, ट्यूब सेटलर का काम है जो साफ पानी को हमेशा ऊपर लगा देना, स्लेज को नीचे बैठा देना, स्लेज को दोबारा एक बार रिसाइकल करने के लिए हम ले आते एयर टैंक को। फिर जब ज़्यादा स्लेज हो जाता है उसको हम ले जाते स्लेज बेड को, स्लेज बेड में वो खाद बन जाता, उसको हम सूख जाता, जब वो पौधा को ले जाते खाद का काम करने के लिए। उसके बाद पानी चलाता स्टोरेज टैंक, स्टोरेज टैंक के आगे से दो टैंक बना हुआ हमारा, एक है कार्बन फिल्टर, एक है सैंड फिल्टर। जो सैंड फिल्टर है पानी साफ कर देता, सैंड फिल्टर का काम होता, जो कार्बन फिल्टर का होता एक तो पानी का कलर मेंटेन करता प्लस पानी का स्मेल कम कर देता। ये जितना भी पानी होता सारे पानी हम ट्रीटमेंट करके हम इसी को यूज करते हैं, जो यूज नहीं होता बाकी नदी में जाता। सबसे बड़ी बात है बड़ू साहब के अंदर जो बना हुआ अपना जो किचन बना हुआ, वहाँ पे आप देखे होंगे ऑयल ट्रैप बना हुआ, क्योंकि इसी के अंदर ऑयल आएगा तो हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होते, इसलिए हम ऑयल ट्रैप बनाए हुए, जो तेल को हम वहाँ से अलग कर लेते, वो तेल भी हमारी यूज में आ जाता। यहाँ पे जो चारा डंगर के लिए ले जाते खाने के लिए, बाकी अपना बॉयलर लगा हुआ वो तेल को मिक्स करके हम बॉयलर में जला देते। बाकी हमारी लंड्री है, लंड्री का जो पानी वहाँ पे ईटीपी लगा हुआ, वो लंड्री का पानी इसके अंदर नहीं आता।
मैं नीचे आपको एचटीवी प्लांट भी दिखाया, वहाँ से अपना जो एटीवी के बारे में बता रहा था कि बड़ू साहब में हमारा एटीवी प्लांट लगा हुआ, ये एटीवी के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है बच्चों का टोटल कपड़ा डेली धुलाई होता, जिसके लिए हमको पानी यूज करना पड़ता 20,000 लीटर जो जिसको, और सर्फ हमको यूज करना कर 25 kg सर्फ डेली यूज करना पड़ता। ये सर्फ का पानी जब हमारी एसटीपी में जाता हमारी बैक्टीरिया को मार देते, इसी करके हम यहाँ पे ईटीपी प्लांट लगाए। ईटीपी प्लांट में यहाँ से पानी हम ट्रीटमेंट करते, जैसे एसटीपी का प्रोसेस था इसका प्रोसेस भी सेम है। इरीगेशन टैंक के अंदर यहाँ पे दो मेडिसिन हम यूज करते, एक है डी फार्मर एक है पोलियो। जो डी फार्मर होता वो सर्फ का झाग को ख़त्म कर देता, जो पोलियो होता वो स्लेज हमारी बैठा देता, जो मिट्टी होता वो बैठा देता, जो स्लेज बैठा था वो स्लेज को हम बाहर निकालते, उसको स्लेज बेड बनाए हुए। लाना बाल्टा के वेस्ट मैनेजमेंट के काम से खुश होके हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के चलते लाना बाल्टा पंचायत को फर्स्ट प्राइज दिया। आज लाना बाल्टा पंचायत एज अ काउंसलर कई और पंचायतों की मदद कर रही है कि इस वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट को बाकी पंचायतों में भी इंप्लीमेंट किया जा सके। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली जैसी एक बड़ी मेट्रो सिटी में भी वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर आप दिल्ली के बाहर बाईपास पे देखें, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। अगर गाजियाबाद वाली तरफ जाते हैं तो गाजीपुर बॉर्डर पे भी कूड़े के बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। इसे देख के पता चलता है कि आज बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज भी अपने प्रदेशों के अंदर वेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही। और दूसरी जगह अगर हम देखें, लाना बाल्टा पंचायत ने वेस्ट मैनेजमेंट के इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। और हमारा मानना है कि बड़े बड़े प्रदेशों में भी लाना बाल्टा के इस वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि पूरे देश भर के अंदर हम अपने बच्चों को एक स्वस्थ और एक अच्छा वातावरण दे सके। तो आपने खुद सुना भी और खुद देखा भी कि किन तौर तरीकों को अपनाकर आज इस जगह पे इतनी अच्छे तरीके से स्वच्छता हमें दिखाई देती है, इतने अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करा जा रहा है कि वाकई ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है। मैं आप सबको भी विनम्रता के साथ यही विनती करूंगा कि कोशिश कीजिए कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह पे आप भी इसी तरीके से अपने घरों के आसपास सफाई रखें, स्वच्छता रखें, ताकि हमारा जो देश है वो बहुत ही खूबसूरत दिखे और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको गंदगी में ना रहना पड़े बल्कि उनको स्वच्छता मिले।